Hey guys, welcome back to my YouTube channel. अभी बजे हुए हैं सुबह के 8 और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल को देखा और आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में है. आज मैं शेयर करने वाली हूँ. ओ ओ ओ ओ तो सुबह के बजे हुए हैं 8 और बच्चे उठ चुके हैं. 7:30 के आसपास उठ चुके थे दोनों. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ट्विंस, अपने जुड़वा बच्चों का मॉर्निंग रूटीन, कि इनका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पर आज. और ये बच्चे हैं अभी 1 महीने के, 1.25 महीने के लगा लीजिए आप, 1 महीने 1 हफ्ते के ये बच्चे हैं. और दोनों जुड़वा तो हैं लेकिन दोनों के चेहरे अलग हैं. तो मतलब इनके चेहरे आपस में नहीं मिलते, बट आदतें बहुत सारी मिलती हैं. लाइक दोनों एक साथ उठते हैं, एक साथ सोते हैं. कुछ मैंने ना रूटीन भी ऐसे बना रखा है कि एक साथ उठने का, एक साथ सोने का, क्योंकि अगर अलग अलग रूटीन रहेगा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी और मेरा मुझे फिर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. हालांकि स्ट्रगल तो है ही दो बच्चों में, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो बहुत रिलीफ मिल जाता है अगर हम दोनों बच्चों का एक ही रूटीन रखते हैं. और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ गाइस क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है जो लोग, मतलब जिनके ट्विंस बच्चे हैं या फिर दो बच्चे एक साथ के उनको मैनेज करने हैं. तो ऐसे में लोग YouTube पर सर्च करते हैं कैसे वीडियो मिल जाए, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ ऐसे, ताकि मैं सर्च करती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी लोग भी सर्च करते होंगे. तो अभी मैंने अपने बेटे को दूध पिला दिया है, तो मैंने अभी इसको फीड करा दिया है. और मैं बच्चों को अपना ही फीड देती हूँ और कभी कभी दिन में 1-2 बार अगर मुझे लगता है कि बच्चों का पेट नहीं भर रहा है तो मैं उनको फॉर्मूला भी दे देती हूँ. लेकिन कोशिश करती हूँ कम देने की, बट देना पड़ता है क्योंकि दो बच्चों का पेट नहीं भर पाता. और फिर ठीक भी है, आदत भी बन जाए बच्चों को उसी हिसाब से. तो अभी ये गार्गी भी मतलब मेरी बेटी का नाम है गार्गी, बेटे का नाम है केशव. तो गार्गी भी उठ चुकी है. तो बस दो बच्चों में यही होता है कि एक को अगर आप फीड करा रहे हो तो दूसरे को रोते हुए भी देखना पड़ता है, ये चीज़ हो जाती है. तो मैं अभी इसको भी फीड करा दूँगी बॉटल से, और इसको मैंने अपना फीड करा दिया. तो ऐसे में जो पंपिंग वाला सिस्टम है ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के बच्चे को पिलाने का, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है. मेरे लिए तो बहुत ही मतलब वरदान समझ लीजिए आप, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है नहीं तो दो बच्चों का पेट भरना. तो ऐसे में माँ जो है वो अपना दूध भी पिला देती है बच्चों को और बच्चों का पेट भी भर जाता है और ईजी, थोड़ा सा ईजी हो जाता है मैनेज करना कि अगर कोई और भी दूध पिला रहा हो तो वो पिला सकता है. तो ये है गाइस, तो बने रहिएगा व्लॉग में. बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे. और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. सो गाइस, यहाँ पर दोनों बच्चे एक साथ ही रोने लग जाते हैं. सिचुएशन कभी कभी ऐसी, कभी कभी क्या, ज़्यादातर ऐसी होती है. तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे एक साथ रोने लग गए, और क्योंकि ये न्यू बॉर्न है और अभी इनका कोई ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है, तो बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसी और भी बहुत सी मॉम होंगी, क्योंकि मैं ना ऐसी वीडियो सर्च करती रहती हूँ. अभी सर्च कर रही थी, मतलब कि ऐसे टाइम पर इनके दो बच्चे, मैं देखना चाहती थी कि लोग कैसे संभालते हैं बच्चों को. तो मुझे कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पर मिली नहीं, बहुत ही कम मिली मतलब. तो इससे ना बहुत हेल्प हो जाती है, अगर ऐसी वीडियोस होती हैं तो मैं बहुत एक ना मोटिवेशन मिलता है. सो गाइस, मैंने गार्गी को फीड करा दिया है और अब मैं इसको डकार दिला रही हूँ. और ये यहाँ पर केशव को भी दूध पिला रहे हैं. तो ये है, तो दो बच्चों के लिए आपको कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है. तो यही है. और अभी मैं इन दोनों को डकार वकार दिला के सोते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इनके अभी वैसे डायपर चेंज करूँगी, क्योंकि रात में पहनाए थे तो अभी चेंज करूँगी. और नहलाए तो ये मैंने कल थे, तो आज मैं इनको स्पंज बाथ दूँगी और बस फिर ये कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी और ये फिर से फीड कराऊँगी इनको, और फिर डकार दिलाऊंगी, फिर एक बार फिर डायपर चेक करूंगी और फिर इनको सुला दूंगी अगर ये सोते हैं तो.
अभी थोड़ा सा जगने लगे हैं, पहले थोड़ा देर तक सोते थे, लंबा सोते थे, सोते तो अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग कम सोते हैं। बच्चा वैसे 3 महीने तक खूब सोता है। ये देखिए ये कैसे अपना हेड कंट्रोल कर रही है। तो बच्चों को टमी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं दे पाते हो तो डकार दिलाती बार ही आप कोशिश कर सकते हो कि वो अपना हेड कंट्रोल करे। तो ये देखिए ये अपना हेड कंट्रोल कर रही है, ये कर लेती है थोड़ा बहुत और धीरे धीरे सीख जाएगी 3 मंथ तक। सो यही है बहुत सारी, अभी इसका भी पेट नहीं भरा एक्चुअली, थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने केशव को दे दिया तो वो पी रहा है। हाँ अब इसने डकार लिया, आपको आवाज़ आई होगी। तो डकार दिलाना भी बड़ा मुश्किल है, कभी कभी बच्चे ले लेते हैं डकार, कभी नहीं भी लेते, बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है तो फिर उनको लिटाना पड़ता है। उसके बाद ये वॉमिट वगैरह भी कर देती है, तो डकार दिलाने से बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होता, वो आसानी से सो जाता है और पेट वेट में दर्द की कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ डकार दिलाने की, लेकिन जब नहीं लेते बच्चे बहुत देर तक और थक जाती है, शरीर थक जाता है बैठे बैठे, तो फिर ऐसे ही लेटाना पड़ जाता है। और अभी चल रहा है अक्टूबर, आज 30 अक्टूबर है, नवंबर, यानी कि अब हल्की हल्की सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है। और मैं अभी इनके लिए इनर वगैरह भी निकालूंगी अंदर पहनने के लिए, ताकि थोड़ी गर्माहट गया। देखिए हाल सो जाते हैं, हाल उठ जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो अभी ये सो गई डकार लेके, सो नहीं रही, जग रही है। हेलो काशी, काशी बार बार नाम आता है, इसका नाम है गार्गी। हेलो गार्गी, गार्गी वे आर यू। और गाइस मैंने चाय पी ली है, तो मैंने अपना चाय मैं लेके बैठ गई थी जब मैं उसको फीड करा रही थी केशव को। और हमारे यहाँ पे जापे के लड्डू बनते हैं, वो भी मैंने खा लिए हैं। अभी मैं डायपर चेंज कर देती हूँ बच्चों का, पानी गर्म कर देता हूँ, सैनिटाइज़ और बच्चों ने जिन बॉटल्स में दूध पिया ये सारी बॉटल अभी सैनिटाइज होंगी, स्टेरिलाइज होंगी, वॉश होंगी और अच्छे से। सो इसीलिए मैं बना रही हूँ, वैसे मेरे पास एडिटिंग का बहुत कम टाइम है, तो ये वीडियो भी मुझे कई दिन हो गए शूट करे हुए, तो सोचा कि चलो इसको एडिट कर देती हूँ और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम होता है बच्चों के डायपर चेंज करने का और उनको जो है अच्छे से फीड, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनको भूख भी लगती है, तो इसीलिए, तो क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों को फीड कराना, फिर दोनों को डकार दिलाना, दोनों का डायपर चेंज करना, इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो मेरा चला जाता है। गार्गी कैसे चेहरा बना लिया इस लड़की ने, रो रो के गुटक सी लड़की है, देखो कैसे चेहरा बना लिया, जैसे ही हाथ लगाया गोदी लूंगी वैसे ही चुप हो जाएगी। इसका डायपर भी चेंज नहीं करने दे रही। तो गाइस दोनों रो रहे थे एक साथ, तो दोनों को गोद में ले लिया मैंने, क्योंकि चुप ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। दूध पिलाया है, ज़्यादा पिया नहीं, थोड़ा सा पिया है, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूखे हो जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है 9:45 बजने में 15 मिनट है और अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये गार्गी को यहाँ पर गार्गी के पापा दूध पिलाते हुए, ये अभी फाइनल इनके लिए फॉर्मूला बनाया है, और फॉर्मूला ज़्यादा देर रख नहीं सकते बना के, जैसे बनाया वैसे ही पिलाओ, नहीं तो फिर दोबारा बनाना पड़ता है। अभी कितना टाइम हो गया, 2 घंटे का रूटीन मैंने अभी शेयर कर दिया आपके साथ, 7 से 9 बजे तक का रूटीन।
सो गाइस मिलूंगी मैं भी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मैंने दोनों बच्चों को ये यहाँ पर लिटा दिया। अभी थोड़ी देर पहले सो गया था केशव, लेकिन फिर से ये उठने के मूड में लग रहा है इसका पेट भरा नहीं है। और गार्गी तो सो गई है, बट इसमें भी डकार नहीं ली। मैंने बहुत कोशिश की इसको डकार दिलाने की, तो अभी शायद थोड़ी देर में उठ जाए। और जब तक ये बच्चे थोड़ा सा लेटते हैं सोते हैं, हाँ वैसे तो उठने वाला है, मुझे नहीं लगता है मुझे उठने देगा, खड़े होने देगा। मुझे ये रूम भी पूरा ठीक करना है, पूरा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, बॉटल्स रखी हुई है सारी, स्टेरिलाइज होंगी और पूरा रूम ठीक होगा। सो गाइस अभी 9:10 हो चुके हैं और दोनों का बस ऐसे जल रहा है, एक तो जग रहा है और एक सो रहा है और मैं रूम ठीक कर रही हूँ। तो देखते ही आप लोग भी क्या रूटीन है न्यू बॉर्न ट्विंस बच्चों का और कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और अभी इसने डकार नहीं ली थी ना, तो देखो ये उल्टी भी कर रही है, दूध निकाल रही है। तो मुझे इसको गोद में देना पड़ेगा, तो दूध निकाल रही थी मैं, गोद में लेने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। बच्चों के कपड़े मैंने डाल दिए मशीन में। सो गाइस रूम की हालत ऐसी हो जाती है, तो मुझे रूम भी ठीक करना है, बच्चों के नहाने के यानी कि जो इनको मैं कपड़े पहनाऊंगी, नहलाऊंगी तो नहीं मैं आज, तो मैं इनको जो कपड़े पहनाऊंगी वो मैं निकाल लूँगी, दोनों कपड़े डिसाइड करने पड़ते हैं इनको ना। मैं 2 लेयर्स में अभी कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है इसलिए, तो इस चीज़ का भी। और बेड को भी मैं वैसे हल्का सा ऐसे झाड़ दूँगी, और बेडशीट मैं रोज़ ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा वो सेफ रहता है। मैंने थोड़ा बहुत रूम ठीक कर दिया है, बेड थोड़ा बहुत मैंने ठीक कर दिया है, बाकी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर से फैलेगा जब मैं इनको स्पंज पाथ दूँगी। वैसे भी ये तो सो ही नहीं रही है, ये थोड़ा सो गया। सो गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं इसको फीड कराऊँगी। बेटी उठ चुकी है और बेटा भी थोड़ा थोड़ा सा अभी उठने के मूड में लग रहा है। और टाइम हो चुका है अभी 10:30 का टाइम हो चुका है, और अब ये दोनों उठ गए हैं। मैं सोच रही हूँ आज इनकी मसाज करूँ, वैसे तो मैंने कल मसाज करी थी, देखते हैं करती हूँ कि नहीं। सो गाइस मैं फटाफट से नहा कर आई, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर इनको दोनों को रेडी करना, फिर रेडी होने के बाद दोनों थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, फिर दोनों को दूध पिलाना, फिर दोनों को डकार दिलाना, तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता, तो इसीलिए मैं पहले नहा कर आ गई। और अभी मैं इनको हल्के गुनगुने पानी में हल्का सा डिटॉल डाल के मैं इनको जो है पानी से थोड़ा थोड़ा पोंछ दूँगी, और फिर मैं बाद में इनको हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्का हल्का ऑयल लगाऊँगी, और फिर उसको मैं ऑयल को बाद में कपड़े से पोंछ दूँगी। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं बहुत हल्का हल्का सा इनको एकदम हार्ड मसाज नहीं कर रही, बिल्कुल हल्की हल्की मसाज कर रही हूँ, ताकि इनको, क्योंकि अभी ना ये मसाज को इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको हैबिट बनेगी मसाज को एंजॉय करने की, तो बस वही है। तो ये सब जो है मैं कर रही हूँ। सो गाइस मैंने दोनों बच्चों को स्पंज बाथ दे दी है, और फिर उसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, फिर उसको भी हल्का सा ऐसे पोंछ दिया, मसाज भी हो गई साथ के साथ। और अभी मैंने रेडी कर दिया है दोनों को, तो गार्गी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसको मैंने मम्मी को दे दिया, और ये राकेश, और पूरा रूम फिर से फैल गया, तो मुझे पूरा ठीक करना पड़ेगा। ये रो रहा है, अब इनको फिर से भूख लग गई, तो इनको दूध पिलाएंगे और फिर ये थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। हेलो केशव, हेलो। और आपको गार्गी को भी दिखाती हूँ मैं, हेलो बोल दो एक बार, हेलो। मैं कनिष्क का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो वो बहुत वीक हो गया, तो मैं अभी आपको गार्गी को दिखाती हूँ। गार्गी, गार्गी हेलो, गार्गी इसका फेस इधर करना, हमने गार्गी का फेस इधर करना, हेलो केशव।
गार्गी की शक्ल अपनी दादी जैसी है गार्गी, हाँ है गार्गी। चलो बाय बोल दो गार्गी, बाय बोल दो। दोनों बहन भैया तैयार हो गए हैं, केशव और गार्गी दोनों को रेडी कर दिया है। बंदरिया, ये बंदरिया हिचकी ले रही है। थोड़ा सा दूध पी दे झाड़ हिचकी। कैसे हंस रहा है सोए काम करेगी। और वो पेज कपड़ा।